कनाडा के जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान के आवास सहित उनके कोचिंग पर सोमवार को पटना पुलिस के साथ साथ आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। दरअसल यह छापेमारी दो मामलों को लेकर की गई थी। पहला मामला 15 तारीख का है, जब पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में गुरु रहमान पर छात्रों को भड़काने के आरोप मामले को लेकर एक FIR दर्ज किया गया, और उस मामले को लेकर सोमवार को पटना SSP के आदेश के बाद एक बार फिर से पटना पुलिस की टीम गुरु रहमान के कार्यालय सहित उनके कदमकुआ स्थित आवास पर पहुंची और गुरु रहमान की खोज की। ठीक उसके चंद मिनट के बाद आयकर विभाग के अधिकारी भी गुरु रहमान के आवास सहित कोचिंग पर पहुंचकर आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली शिकायत की जांच करते नजर आए। हालांकि इन दोनों मामलों को लेकर मंगलवार को गुरु रहमान ने एक वीडियो जारी करते हुए स्पष्टीकरण दिया है। साफ तौर से गुरु रहमान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक वीडियो जारी किया है। साफ तौर से आप भी सुनिए देशवा न्यूज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि गुरु रहमान द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में गुरु रहमान क्या कुछ कह रहे हैं। मैं गुरु रहमान स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो भी घटना हुई अग्निपथ के विरोध में, उस घटनाक्रम में मेरा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार कोई योगदान नहीं रहा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के प्रति ही मैं डेडिकेटेड रहता हूँ। और कुछ बच्चे फर्स्ट दिन आए थे बृहस्पतिवार को, जिस दिन उन्होंने उन लोगों ने कहा कि 70-80 बच्चे जिनको मैं पहचान नहीं रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे कि हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैंने उनसे कहा था कि रेल रोक सकते हो, मुझे नहीं पता था कि इसका क्या कारण हो सकता है, रेल रोक सकते हो लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त मत होना, पटरा पट्टी मत कबाड़ना। उसके बावजूद भी अब हम पर FIR हुआ है या हम इनकम टैक्स का आपको छापा पड़ा है, तो उसमें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी भी तरह के कोई भी बैठक में अगर मेरे द्वारा कहीं भी कोई बात हिंसा संबंधित की गई हो, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप एक बात समझ लीजिए कि मैं व्यक्ति 94 स्वयंसेवक हूँ, मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया है और 53 बार ब्लड दान किया है मैंने, और उसके बावजूद और कभी भी रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मैंने हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मैंने बार बार छात्रों से यही अपील की है कि अहिंसा बनाए रखें, अहिंसा करें, क्योंकि अगर हिंसा करते हैं, अगर एक FIR भी उन पर लॉन्च हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी करियर बर्बाद हो जाएगी। रही बात दानापुर की, तो दानापुर की भीड़ में गुंडे थे, अराजक तत्व थे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, और वैसी वो गुंडे और अराजक तत्व आड़ में लेकर हमको अगर ठिकाना किया जाए तो गलत बात है। मेरे व्हाट्सएप से एक भी नंबर गया हो, कहीं गया हो व्हाट्सएप से किसी तरह का चैटिंग हुई हो तो उस पर भी हम बोलने के लिए तैयार हैं कि अगर मेरी तरफ से कोई चैटिंग हुई है तो उसके लिए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि किसी भी तरह का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हिंसा को उसकाने या बच्चों को उसकाने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को कभी कहा ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे डिफेंस के बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, तो इसी परिस्थिति में क्या मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जहाँ तक मैंने पहला वीडियो में कहा था कि आप रेल रोक सकते हो, कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करो, तो बच्चे ने खुद कहा था कि हम रेल रोकने जा रहे हैं, तो उसमें अगर किसी भी परिस्थिति के बाद में बोलूँ जो बच्चे हमारे नहीं थे, तो निश्चित रूप से हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके अतिरिक्त अगर कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष मैंने अहिंसा को छोड़ के कोई दूसरी बात कहा हो, तो उसके लिए पूरी तरह से मैं दोषी हूँ। गुरु रहमान द्वारा जारी वीडियो में साफ तौर से गुरु रहमान अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। साफ तौर से गुरु ने बताया है कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस दौरान मौके पर मौजूद छात्रों को उन्होंने यह जरूर कहा था कि आप रेलवे जंक्शन पर जाकर प्रदर्शन कर तो जरूर सकते हैं, पर वहां अशांति नहीं फैला सकते। गुरु रहमान ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए जारी वीडियो में कहा है कि जिस समय वह यह बयान छात्रों के बीच दे रहे थे, उस समय स्थिति ऐसी थी कि उनके ऊपर हमला भी किया जा सकता था, और कहीं ना कहीं इसी कारण मौके पर मौजूद छात्रों के बीच उन्होंने इस तरह की बातें कही थी। देशवा न्यूज के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।